Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I hope you all are safe at your home. So guys, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी. एंड दिस केस वॉज डिसाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 2013. सो गाइज, दिस केस वॉज फर्स्ट डिसाइडेड बाई डिवीजन बेंच and then they referred it to three judges bench and finally it was referred by three judges bench to constitutional bench, that is five judges bench in 2013. constitutional bench decided the case. So guys, अगर आप Google करोगे तो you will get so many years, so don't get confused there because the final decision was made by constitutional bench in 2013. राइट. सो गाइज, अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे, लेट अस डिस्कस दैट. बट बिफोर गोइंग अहेड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो गाइज, अब इस केस के फैक्ट्स ये थे कि देयर वॉज अ माइनर गर्ल ललिता कुमारी जो कि किडनैप हो गई थी, तो उनके फादर ने एक रिटन कंप्लेंट फाइल करी थी विद इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. बट पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था एंड नो FIR वॉज रजिस्टर्ड बाय हिम. सो इसीलिए ही टुक द हेल्प ऑफ सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 CRPC एंड ही फाइल्ड अ कंप्लेंट विद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने FIR तो रजिस्टर कर दी, पर देयर वॉज नो एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज फॉर द रिकवरी ऑफ चाइल्ड. तो इसीलिए जो ललिता कुमारी के फादर थे उन्होंने एक रिट इशू करी. द रिट वॉज इशूड बाय ललिता कुमारी थ्रू हिज फादर एंड इट वॉज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड इट वॉज फॉर द इशुएंस ऑफ हेबियस कॉर्पस. सो गाइस, अब इस केस के अंदर मेन जो इशू था वो ये था कि क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि एक हर पुलिस ऑफिसर को FIR रजिस्टर करनी है, या फिर वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है बिफोर रजिस्टरिंग दी FIR. अब जब टू जजेस बेंच ने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज है हर स्टेट के अंदर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, तो उन्होंने इशू करे नोटिस. किस किस को करे? यूनियन ऑफ इंडिया को, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल, एंड एज वेल एज टू कमिश्नर ऑफ पुलिस. और साथ के साथ ये भी ऑर्डर किया कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बाउंड हैं FIR रजिस्टर करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो पार्टीज हैं दे मे गो टू मजिस्ट्रेट फॉर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स एंड एट द सेम टाइम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट फॉर नॉट रजिस्टरिंग दी FIR. ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या हुआ, जब यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल्स प्रेजेंट हुए तो उन्होंने ये बोला कि देयर आर लॉट मेनी अदर जजमेंट्स जो कि ये बोलती हैं कि इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग द FIR, देन ही कैन डू दैट फॉर चेकिंग द वेरेसिटी और फॉर चेकिंग वेदर द केस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल. तो इसके लिए उसके पास उसका पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन है. तो अब यहाँ पर जब टू जजेस बेंच ने ये देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस केस को थ्री जजेस बेंच को रेफर कर दिया. और जब थ्री जजेस बेंच के पास ये मैटर गया तो थ्री जजेस बेंच ने भी ये देखा कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ऑलरेडी हैं, तो उन्होंने इस केस को फाइनली रेफर किया फाइव जजेस बेंच को, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. अब फाइव जजेस बेंच ने ये हेल्ड किया कि FIR से जो क्रिमिनल प्रोसेस होता है वो मोशन में आता है एंड मोर ओवर इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जस्टिस. तो अगर आपको एट द फेस ऑफ इट लगता भी है कि एक FIR फॉल्स केस के ऊपर है तो तब भी आपको रजिस्टर करना है. आप उसको चेक बाद में करोगे, आप रजिस्ट्रेशन के बाद चेक करोगे वेदर द FIR इज ऑन फॉल्स केस और नॉट. ठीक है, एंड मोर ओवर आपके पास सेक्शन 157 के अंदर हमेशा ये पावर है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकते हो अगर वो केस जेन्युइन नहीं है, प्राइमा फेसाए केस नहीं बन रहा है. बट कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि कुछ केसेस के अंदर आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हो, लाइक मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के अंदर या फिर जहां पर 3 महीने से ज़्यादा का डिले है FIR रजिस्ट्रेशन के अंदर, उन केसेस के अंदर. बट दिस लिस्ट इज नॉट
एग्जॉस्टिव, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, तो इसके अंदर और भी केसेस एड ऑन हो सकते हैं. अब उसके बाद जो काउंसिल्स थे उन्होंने ये कंटेंट किया कि अगर हम हर केस के अंदर FIR करेंगे तो जितनी ज़्यादा FIR होंगी उतने ही ज़्यादा अरेस्ट भी होंगे. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसा नहीं है. अरेस्ट के लिए हमेशा डिस्क्रिशन होती है पुलिस ऑफिसर के पास. अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है तभी अरेस्ट करेगा, बट FIR के केस के अंदर उसके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है. इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, आपको FIR रजिस्टर करनी ही है. फिर उसके बाद एक और कंटेंशन दिया गया कि काउंसिल्स के थ्रू कि सेक्शन 166A जो है वो एड ऑन किया गया IPC के अंदर. तो इसका मतलब क्या ये है कि सिर्फ उन केसेस के अंदर आपको FIR करना मैंडेटरी है जिसके जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के वुमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केस हैं वुमेन के अगेंस्ट. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 166A जो है वो सेक्शन 154 के कंसोनेंस में है. इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्ट्री बट इट इज़ इन कंसोनेंस विद सेक्शन 154. तो यहाँ पर ये जस्ट एक एक्सप्रेस प्रोविजन दिया गया है 166A के अंदर, बट आपको हर केस के अंदर FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है. एंड यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बात करी कि सेक्शन 154 के अंदर शैल वर्ड का यूज़ किया गया है, एंड व्हेन देयर इज़ अ यूज़ ऑफ शैल वर्ड देन यू कैन नॉट कंसीडर इट एज मे. एंड मोर ओवर ये भी बोला गया कि जब किसी प्रोविजन के अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी डाइकॉटमी नहीं है, तो आप उसको लिटरली अप्लाई करते हो, एंड इट दैट इज़ वाई यू आर सपोज टू फाइल दी FIR एंड इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन. यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 39 ऑफ CRPC का भी यूज़ किया और ये कहा कि सेक्शन 39 के अंदर हम जनरल पब्लिक को के ऊपर ये एक ड्यूटी लगाते हैं कि अगर उनको किसी ऑफेंस के बारे में पता चला है तो इट इज़ देयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर. बट अगर उसी टाइम पर हम पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी नहीं लगाएंगे कि उसको हर FIR को रजिस्टर करना है, तो देयर विल बी अ डाइकॉटमी बिटवीन टू प्रोविजंस, राइट? क्योंकि हम एक तरफ जनरल पब्लिक के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको लायबल भी कर रहे हैं अंडर सेक्शन 176 ऑफ IPC. तो इसीलिए यहां पर पुलिस ऑफिसर भी बाउंड है हर FIR को रजिस्टर करने के लिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको यह चेक करना है कि कोई केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसके अंदर आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो. इनिशियली दे अलाउड फॉर 7 days प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, बट लेटर ऑन दे इंक्रीज इट टू 15 days प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. तो अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई डाउट है कि ये कॉग्निजेबल केस ही नहीं है, तो उस केस के अंदर वो 15 डेज की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है. अब यहाँ पर एक और कंटेंशन दी गई काउंसिल्स के थ्रू कि पुलिस एक्ट 1861 के अंदर तो ये कहा गया है कि हर पुलिस ऑफिसर को एक डायरी मेंटेन करनी है और उसको पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है बिफोर रजिस्टरिंग दी FIR. तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों प्रोविजंस के अंदर, सेक्शन 154 CRPC और पुलिस एक्ट के अंदर. तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 154 CRPC जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है, सो दैट विल प्रिवेल ओवर पुलिस एक्ट एंड इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन ओवर दी पुलिस officer that he has to register the FIR. So guys, this is all for today's video. I hope this will help you in future, and please share it with your friends as well. Thank you for watching.